हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिफरेंसेस को करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम दो चीज़ें कंप्लीट करेंगे अपने इस चैप्टर की, वो हैं डिफरेंसेस क्या क्या है पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, और सेकेंड वन इज़ डिफरेंसेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अब अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की और पर्सनल मैनेजमेंट की, तो पर्सनल मैनेजमेंट हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, वेयर एज अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। उसके अलावा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अंदर जो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम बात करें अपना पर्सनल मैनेजमेंट की तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो इसका दायरा है वो क्या है, कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, मतलब एक तरह से बाउंड्री वॉल ह्यूमन रिसोर्स की क्या होनी चाहिए वो डिसाइड की जाती हैं। वेयर एज अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो नो डाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे आप कह लीजिए कि एम्प्लॉइज़ हैं उनके उनको उनका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कैसे इंक्रीज़ करना है, उनका सर्वाइवल कैसे अच्छा बनाना है कंपनीज़ के अंदर, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके अंदर कैसे लेकर आनी है, और बहुत कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा उसका जो दायरा है वो लिमिटेड है, ठीक है। वो बेसिकली जो कंसंट्रेट करता है सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंसंट्रेट करता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को तो नो डाउट वो कंसंट्रेट करता है, बट उसके साथ साथ एम्प्लॉइज़ के इंटरेस्ट को भी पूरा ध्यान दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट, ये जो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, अब हम डिटेल में इनके जो डिफरेंशिएशन के बेसिस हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्स एंड वैल्यूज़ की, स्टूडेंट्स पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर इंक्रीमेंटल इंटरवेंशंस इन अट्रैक्टिंग रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग वर्कर्स, यहाँ पर क्या है, कोशिश की जाती है कि किस तरह से एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अट्रैक्ट करना, बाहर वाले लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना, उनको कैसे लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के रखना और उनको मोटिवेट करना, मतलब ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, फोकस करता है। लेकिन अगर बात की जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो इन सब चीज़ों को तो करता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जिसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फोकस होता है, जैसे स्ट्रैटेजिक फोकस हो गया कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज इम्प्लॉइज़ के रिगार्डिंग के रिलेटेड बनानी चाहिए, कैसे उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को इनक्रीज़ करना चाहिए, कैसे उनके प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल को इन्हांस करना चाहिए, कैसे लंबे समय तक सर्वाइवल होनी चाहिए, ठीक है, इम्प्लॉइज़ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा उठाना है, वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है, मतलब सो दैट कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो एकदम से इम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज ना हो, तो ये पूरे का पूरा आप कह लीजिए बैकअप प्रिपेयर करना, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। पर्सनल मैनेजमेंट के कुछ एक लूप होल्स थे जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ओरिजिन में आया, लेकिन अब करंटली अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, पर्सनल मैनेजमेंट नहीं होता। सेकेंड वन इज़ प्रोफेशनलिज्म। अगर स्टूडेंट्स हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें, तो जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं दे आर अकाउंटेबल फॉर दी इम्प्लॉइज़ मैटर, ये सिर्फ इम्प्लॉइज़ के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स है उनके लिए पर्सनल मैनेजर्स क्या हैं, अकाउंटेबल होते हैं, मतलब सिर्फ जो इम्प्लॉइज़ के रिलेटेड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट, मतलब
पर्सनल मैनेजर्स आप कह लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कुछ भी मैटर हो ना, उसके रिगार्डिंग ही ये सिर्फ क्या करेंगे, जवाबदेही होती है और इनका कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट का काम। लेकिन अगर मैं बात करूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का नो डाउट एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग तो अकाउंटेबल है ही हैं, ठीक है, अकाउंटेबल अपने स्टाफ के लिए तो होते ही हैं, लेकिन और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिनका वो क्या करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे कभी भी एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज ना, वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रहे, मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज़ रिलेशंस की बात करें, अगर हम रिलेशंस की बात करें तो इसके अंदर क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर लिमिटेड ट्रस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एंड लिमिटेड ट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंशिएशन कंट्रोल ओरिएंटेड। जो हमारी पर्सनल मैनेजमेंट अप्रोच है ये क्या है, इसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह भी कम ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी होते ही हैं, डिफरेंस आप कह लीजिए व्यू पॉइंट्स पे हो सकता है, एक तरह का कंट्रोल है कि हाँ एम्प्लॉयज़ के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करके रखना है, बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है पर्सनल मैनेजमेंट के। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को एसेट की तरह मानते हैं कि ये जो हमारी एसेट है, तो वो एसेट है तो उनको हमेशा अपने साथ बरकरार रखने के लिए हार्मनी मेंटेन करके रखनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट होना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखना। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट है उसका भी खासा ध्यान रखा जाए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को एक्टिवली वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए और कुछ पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मैनेज करना, मतलब इनका है कि इंडिविजुअल फोकस होता है, मतलब एक तरह से नैरो कंसेप्ट है इंडिविजुअल के ऊपर ही, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड है मैनेजमेंट, एज अ होल नहीं लेकर चलते ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही ध्यान रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो ध्यान दीजिए बट उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ के साथ और भी बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर पर्सनल मैनेजमेंट ध्यान नहीं देता था। लेकिन इसके अंदर क्या है, ब्रॉड भी है और टीम फोकस्ड भी है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के, इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर फोकस किया जाएगा लेकिन टीम के ऊपर नहीं, ग्रुप की कोहेसिवनेस को कैसे इंक्रीज करना है उसका ध्यान नहीं दिया जाता था। वो कौन ध्यान देता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ध्यान देता है, टीम स्पिरिट लेकर आनी, ग्रुप कोहेसिवनेस को इंक्रीज करना, वो सब काम किसने किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में क्या है कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब कंट्रोल मैनर में ही मैसेज क्या होता है ट्रांसमिट होता है, मतलब सीक्रेटिव ब्यूरोक्रेटिव कंट्रोल टाइप का हिसाब किताब आप कह लीजिए कि रहता है किसके अंदर, अपना पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहनी है क्योंकि कोई डर नहीं है, एज अ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लेकर चलना है इन्होंने, प्रॉपर ट्रस्ट और कमिटमेंट वो क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं अमंग देयर एम्प्लॉयज़। तो स्टूडेंट्स इसी, ये कुछ एक लूप होल्स भी थे पर्सनल मैनेजमेंट के जिसकी वजह से अब करंटली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओरिजिन में आया। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम वीडियो के अंदर करेंगे वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, तो वो कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये डील करता है ह्यूमन रिसोर्स जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होगी, उनके रिलेशंस हो गए, उनके रूल्स हो गए, उनकी पॉलिसीज होगी, उनकी सैलरीज होगी, उनके कॉम्पनसेशंस हो गए, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से अप्रेज करना है, ट्रेनिंग होगी एम्प्लॉयज़ की, उनकी डेवलपमेंट कैसी करनी है, तो इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो काम करता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट पार्ट पे है, मतलब आप कह लीजिए कि ट्रेनिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर ही ध्यान है, बट दे आर इग्नोरिंग दी मैनेजमेंट फंक्शन एंड एज वेल एज वेरियस अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद एम्प्लॉयज़, दे आर इग्नोरिंग दी सेम।
तो वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डेवलप करना है सिर्फ उसी के ऊपर उनका फोकस होता है। नेक्स्ट इज जो HRM है वो ब्रॉडर फंक्शन है और HRD फंक्शन क्या है, HRM का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज इट इज़ कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका ध्यान किसकी तरफ है, इसका मेन फोकस होता है कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना और उन एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जितने भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको किस तरह से फुलफिल करना, अचीव करना, ठीक है, ये सब काम किसके होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। लेकिन अगर हम बात करें HRD तो HRD किसके साथ कंसर्न है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के साथ। HRM focuses on how to manage, मतलब हम वी ऑल नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के लोग काम करते हैं तो उन सबको इकट्ठा कैसे लेकर चलना है, वो काम किसका होता है, HRM मैनेजमेंट का। लेकिन HRD क्या करती है कि एम्प्लॉयज़ को टीच करना कि उन्हें इंडिविजुअली अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से डेवलप करना है, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इनका मेन फोकस रहता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की तो स्टाफिंग फंक्शन है, डील्स विद द स्टाफिंग फंक्शन, मतलब एम्प्लॉयज़ को किस तरह से रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, तो उस प्रोसेस से मतलब कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से जोड़ना, वो काम कौन करता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ HRD की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दिया, उसके बाद काम किसका स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनको उस पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग काबिल बनाना, उस पर्टिकुलर पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, तो वो किसका काम है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है हमारी HRM में, ये HRM स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है HRD है, तो इसके अंदर आ जाता है स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, कंपनसेशन, जो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में सारे पॉइंट्स बता दिए, बेनिफिट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ और लेबर रिलेशनशिप को किस तरह से इन्हांस करना, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना, वो काम किसका है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। अगर मैं बात करूँ HRD तो इसके अंदर मेन डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, ट्रेनिंग एंड लर्निंग हो गया एंड कोचिंग हो गया, ये सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड है, हमारा HRD के अंदर इंक्लूड है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन केस ऑफ HRM इज़ इंडिपेंडेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है HRM का वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दैट मीन्स मतलब उनका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं, HRM अपने आप में ही क्या है, एक सेपरेट फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन HRD का, वो इंटर रिलेटेड है, क्यों इंटर रिलेटेड है, क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि वो किसके ऊपर बेस्ड है, HRM के ऊपर बेस्ड है। तो जो भी इसके फंक्शंस हैं वो फॉर्मल हैं, इसके फंक्शन फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल कहने का मतलब है कि इनफॉर्मली किस तरह से एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया मेंटरशिप का, जैसे इसमें अंदर मेंटर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, तो मेंटर्स क्या करते हैं, जो भी उनकी मेंटीज़ होती है जिनको उन्होंने क्या करना होता है, डेवलप करना होता है, ट्रेनीज़ होती हैं जो, ठीक है, उनको किस तरह से इम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना है मेंटर्स ने, तो वो इनफॉर्मली भी उनको बता सकते हैं और फॉर्मली भी बता सकते हैं। ये एक रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, मतलब हाँ भी रूटीन है ये, एक परमानेंट आप कह लीजिए प्रोसेस है कि ये चीज़ रूटीन में चलती रहती है, और इसको कॉन्टीन्यूस बोला क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो ऑब्वियसली बात है HRD भी होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स जो हमने HRM में करे और HRD में करे। तो सबसे पहले आज हमने डिफरेंस पढ़ा पर्सनल मैनेजमेंट का और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस पढ़े। एक बार सभी पॉइंट्स को गो थ्रू कीजिए, किसी पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।